आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ पर। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। गैप देते ही फिर रात में कोई भी आगे कर रहा तो बराबर हम लोग एक्शन में, ये नहीं है कि खामोश बैठे हुए नहीं। जायजा इतला मिल रही है, हम लोग सर्वेयर को, हमारे डिपार्टमेंट को भिजा के हम लोग इंक्रोचेस रुका रहे हैं और क्रिमिनल केसा भी बुक करा रहे हैं। हम लोग खाली बैठे हुए नहीं। नहीं, गलत बात है। उन्होंने कमिश्नर साहब ये बोले, भाई आपका ने क्या पेपर से लेके आई है, हम आपके साथ हैं। ये सब बेकार बातें हैं, ख़त्म नहीं रखना हो ये सब, ऐसा कैसा बोल सकते हैं। वहाँ तो जनरल पब्लिक फिर रही वहाँ पर, तो वह नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे बोल के ऐसा नहीं है। ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा था बीच में, उसकी वजह से कोई ऑफिसर आ रहे थे, कोई ऑफिसर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए जो ना प्रॉब्लम हो रहा था। अब लॉकडाउन पूरा खुल गया, इंशाल्लाह ताला हम खुद फील्ड पे जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा, CO जाएंगे हमारे, हम लोग खुद टीम वर्क करेंगे पूरा, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है हम लोग जाएंगे। अब ये मीर महमूद का जो अपने मौलाली का जो है, इससे पहले भी गया था मैं, अभी भी पूरे पुलिस ऑफिसरों को, कलेक्टर को भी बुलाएंगे, वहाँ पर बुला के हम लोग ये करके रोकेंगे उसको। नेकनामपुर का भी रुका है ना, रुकाए थे, फिर चालू करे ना लॉकडाउन में, फिर उसको, फिर अभी हम लोग बोले कि जाके उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करना है, बल्कि हम छोड़ेंगे ना, खामोश नहीं बैठेंगे। छत डालने का है ना, वो छत इमीडिएट डलाएंगे उसको, वक्फोर्ट से डलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गवर्नमेंट से ग्रेनेड आ रहा बोले थे, वो इमाम मौजनों का आया, वो नियाने की वजह से हम लोग रुके हुए थे, अगर वहाँ से नहीं आया तो हम लोग बराबर वो काम छोड़ेंगे ना। वो हाँ, वो भी आई रिपोर्ट, तो हम लोग वो भी इमीडिएट उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करा के वो पूरा डिमोलिश कराएंगे इमीडिएट, विदाउट परमिशन, हमको भी नहीं मालूम, और हमारा स्टाफ भी जो है हमको इतला नहीं करा, तो जो स्टाफ हमको इतला नहीं करा वो एरिया का, उसको हम सस्पेंड करेंगे उसको इमीडिएट, क्योंकि ये हरकत नहीं कर सकते ना, हमारी नॉलेज में लाना। हर चेयरमैन तो हर गली में जाके नहीं देखते, इंफॉर्मेशन जैसा आई वैसा इमीडिएट एक्शन लेते। तो बहरहाल मेरे मीडिया के भाइयों से भी है, कहीं भी ऐसी हरकत हो रही तो आप लोग भी इतला दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट से हम जो है ना, जहाँ पर भी है वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। हाँ, वो भी लिए अभी, उसको तौलियत को मार्क करें, वो कमेटी में लेके उसको नेक्स्ट मीटिंग में कर देंगे। 3 महीने के 16 करोड़ 50 लाख कुछ है, वो भी आ गए, कल डाल दिए ना। मदीना बिल्डिंग को भेजा दिए बोल के, तो पुलिस गवर्नमेंट को एक लेटर लिख के रेजोल्यूशन देखें, हम लोग पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेके, पुलिस और वक्फ बोर्ड का स्टाफ, ये सब मिलके जो है जहाँ भी इंक्रोचमेंट हो रहा वहाँ पर रुकाने का काम पूरा इंशाल्लाह करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इससे पहले वक्फ बोर्ड से जो राशन भी दिया गया था, तो उसी तरीके से फिर कुछ करेंगे गरीब आवाम के लिए, बल्कि वो भी एक डिस्कशन आया, तो वो भी गरीब आवाम के लिए क्या कर सकते हैं अपन, वक्फ बोर्ड से हेल्प वो करेंगे। और वो मैयत फंड तो हम लोग 5,000 रुपये दे रहे हेल्पलाइन पे फ़ोन करे तो हमारे स्टाफ जाके दे रहे वो भी है, और भी मज़ीद कुछ क्या कर सकते वो है करेंगे बोल के। और जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है वहाँ पर जो है ना सीरियस सीनियर एडवोकेट्स को लगाकर, बड़े से बड़े वकील को लगा के हमारी चीज़ हासिल करने का काम करेंगे बोले। और वहाँ पर गुटाला बेगमपेट में गुसुल खाना बनाने के लिए हमारे को अप्लीकेशन आया था, उसको भी गुसुल खाना बनाने के लिए हम परमिशन दिए, उसको भी रेजोल्यूशन ये करें, एक गुसुल खाना बनाएंगे और कोटाला बेगमपेट में बोल के। और दूसरा जो है, जो कैंसर, लीवर, हार्ट, इसके लिए भी जो वक्फ बोर्ड से दिया जा रहा है, जेन्युइन केस है तो उसको 50,000 तक भी देंगे अपन, गरीब आवाम के लिए, जो मुस्ताक है वैसे लोगों को जो है ये करेंगे बोल के, वो भी एक हम लोग ये करें बोर्ड में। और अल्लाह चाहे तो गरीब आवाम के लिए क्या क्या काम कर सकते वो। और दूसरी चीज़ ये भी डिस्कशन हुआ कि ये जो खबरों के पैसे जो ले रहे नहीं लेना, वो ये बोल के उस पर भी डिस्कशन हुआ,
फ्री तदफीन होना, और ये कोविड बोल के अलग नहीं करना, उसको अलग नहीं, जो भी एरिया के लोग हैं जहाँ पर भी है वहाँ पर जगह देना, वो एरिया ये एरिया बात नहीं करना, ये जगह देना ही देना है। मतलब कोई भी जैसा कि अब आसिफ नगर में रहते जगह नहीं है, यहाँ पर लाके नामपल्ली में दफना रहे तो जगह देना, कहीं भी लफ्ज़ मुस्लिम कब्रस्तान है मुस्लिम है तो देना ही देना है। सुने अब तो अल्लाह के करम से अच्छे अच्छे चीज़ें आज हुए, और फर्स्ट वीक में एक मीटिंग रख रहे हैं हम लोग। अब ये हर 15-20 दिन को एक मीटिंग होगी, क्योंकि लॉकडाउन होने से 4 महीने से हम लोग बराबर मीटिंग हुए नहीं थे, तो हर 15-20 दिन में एक एक बोर्ड मीटिंग करेंगे बोल के बहुत देर डिस्कशन चला इसके ऊपर भी। और अल्लाह चाहे तो जो है और भी जो जो हमारे लैंड्स है लीज पे देने के, तो ई टेंडर बुलाना बोल के हमारे को गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन है, तो उसी तरीके से ई टेंडर बुलाएंगे। ई टेंडर बुला के हमारे जो 11 प्रॉपर्टीज़ का गवर्नमेंट हमको परमिशन दी थी 33 साल की लीज देने के लिए, तो वो भी हम जो है हर 15 दिन में एक एक प्रॉपर्टी ई टेंडर बुला के देते जाएंगे हम लोग। क्योंकि अगर खाली रखे तो जो है ना कोई भी आके इंक्रोच कर रहे, फिर कोर्ट केसेस चल रहे, फिर कोई भी कब्जे करके जो है ना परेशान कर दे रहे, तो उसमें वकीलों को भी दुनिया के पैसे खर्चा हो रहे, तो वो भी एक डेवलपमेंट का काम करेंगे। और जो अनीसुल गुरबा का जो काम रुके हुआ है, गवर्नमेंट को जो है ना ग्रैंड रेंट से काम हो रहा, उसको भी जो है ना जल्द से जल्द डेवलप करके उसको भी जो है नीचे के मलियाँ वगैरह जो है शॉप्स नीचे के जो है ऑक्शन करके ई टेंडर करके देंगे उसको बोल के। अभी वो भी वर्कबोर्ड में ये करें हम लोग। और भी बहुत से चीज़ें हुए, और अल्लाह के करम से जो है हमारी जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी है वफ़ की, जितने इंक्रोचर्स है, ये पुलिस की टीम हम लोग रखने से हमारे प्रॉपर्टी सेफ होती बोल के हम लोग भी ये करें, क्योंकि हमारे स्टाफ जा रहे तो जो ना कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं मिल रही, तो लिहाजा यहाँ से पुलिस ऑफिसर से साथ रहे, एक गाड़ी में पुलिस एक गाड़ी में हमारे वफ़ के स्टाफ सर्वेयर वगैरह रहे तो जो ना काम होता बोल के हम लोग ये। इसमें इमाम बाड़े का भी जो है ना डिस्कशन आया, इमाम बाड़ा भी जो है बहुत दिन से पेंडिंग था, तो ग्रैंड से ये करेंगे बोल के इससे पहले भी मुहर्रम में अनाउंस करे थे, तो इंशाल्लाह ताला अगर हम गवर्नमेंट से करेंगे, नहीं बोले तो वक्फ से देने की कोशिश करेंगे हम लोग पूरी तरीके से, क्योंकि जो जो चीज़ पेंडिंग है अल्लाह के करम से वो चीज़ें हम लोग करेंगे। और इमीडिएट अब काम चालू होगा, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल गया, अभी 3 महीने तक तो कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं है, समझे। अब 3 महीने के बाद की बात अपन नहीं बोल सकते, तो इंशाल्लाह ताला ये 3 महीने के अंदर बहुत से काम जो पेंडिंग है अल्लाह चाहे तो जो है ना पूरे काम हुएंगे, और गरीब आवाम का काम हुएगा यहाँ पर, क्योंकि मंशा वफ के हिसाब से जो है ना अभी तक कहीं भी इंडिया में कोई वोट नहीं करा, मगर हम लोग मंशा वफ के हिसाब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। और हम लोग को सबसे ज़्यादा फिक्र ये है कि जो कब्रस्तानों का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रॉब्लम नहीं रहना बोल के पूरे अभी भी मैं बोल रहा हूँ मुतवल्ली साहबान से और कमेटी वालों से, ग्रेवयार्ड कमेटी वालों से मेरी अपील है कि आप लोग फ्री दीजिए, आप लोग भी सवाब बांट लीजिए, क्योंकि लोग परेशान हैं आज ये लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से किसी को परेशान मत करिए। ये आसानी से बोलते आप ये एरिया वगैरह नहीं बोलिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जाके सऊदी में ये आप ये एरिया के नहीं है वो एरिया के ये बात नहीं करना, आप लोग जगह दे देना फ्री देना, खोदने वाले के जो भी खर्चा अखराज आता है वो भी आप कहने नहीं है, तो वक्फ देने के लिए तैयार है तो वक्फ दे रहा भी है, समझे। बोलिए और नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले सभी न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।